हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। आई एम नीरज तोमर, टीचिंग यू इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फिफ्थ लेक्चर यूनिट 4 का, जिसमें हमारा आज का टारगेट रहेगा बॉम कैलोरीमीटर और बायोगैस। हम बॉम कैलोरीमीटर में को किस लिए पढ़ रहे हैं, यानी कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसका हमारा पर्पस है पढ़ने का, कि हम अपनी कैलोरीफिक वैल्यू को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करने के हमारे दो तरीके हैं, एक हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड और सेकंड हमारा थ्योरेटिकल मेथड। जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो है बॉम कैलोरीमीटर, और जो थ्योरेटिकल मेथड है वो है ड्यूलोंग्स मेथड। तो हम ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे आज वन बाय वन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना लास्ट टॉपिक बायोगैस। आइए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम ये देखें कि हमारा बॉम कैलोरीमीटर का इंस्ट्रूमेंट होता किस तरीके से और हमें उसका डायग्राम कैसे बनाना है, तो आपको सबसे पहले यहां क्या बनाना है, ये जो आपका ये सिस्टम है दैट इज बॉम। और ये किस चीज से बना है, ये आपका बना है स्टेनलेस स्टील से। और ये बॉम आपका अंदर किसके अंदर फिट है, ये आपका कैलोरी मीटर के अंदर फिक्स है, जो आपका किससे बना है, कॉपर से बना है, दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर। अब इसके बाद आपको क्या देखना है कि आपने इसमें क्या फिल किया हुआ है, ये डॉट डॉट आपका क्या सिग्निफाई कर रहा है, दैट इज वाटर, जो कि वाटर की अमाउंट आपके पास क्या होगी, नॉन अमाउंट होगी, यानी आप इसमें जितना भी अमाउंट वाटर का फिल करेंगे वो आपको अमाउंट पता होगी। ये यहां पे अगर आप देखें ये आपका क्या है, ये क्रूशिबल है, यानी ये आपका क्रूशिबल किससे बना है, स्टेनलेस स्टील से, जो कि आपको इसमें क्या प्लेस करना है, इसमें आपको अपने फ्यूल का अमाउंट जिसको आप बर्न कर रहे हो वो अमाउंट आपको इसमें प्लेस करना है। ये आपका क्या है, ये आपका फ्यूज वायर। अब फ्यूज वायर आपका किससे बना है, दैट इज मैग्नीशियम वायर। अब ये फ्यूज वायर कनेक्टेड है आपका दो इलेक्ट्रोड से, और ये इलेक्ट्रोड्स आपकी फर्दर कनेक्टेड है 6 वॉट बैटरी से। और अब आपने इसमें बनाया एयर जैकेट और वाटर जैकेट। एयर जैकेट और वाटर जैकेट का हम यूज इसलिए कर रहे हैं कि जब भी हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, यानी जब भी हमारा फ्यूल बर्न होगा तो उसमें हमारा हीट लॉस नहीं होगा। अब ये जो हमारा फ्यूल है ये कैसा है, ये सॉलिड है। अब इसमें आपकी दो चीज बचती हैं, ये आपने टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या यूज किया, बैकमैन थर्मोमीटर। अब यहां पे आप किसका यूज कर रहे हैं, स्टीरर का। स्टीरर आपका कैसा है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, यानी जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट कैसे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से। अब ये आपका क्या काम करेगा, यानी स्टीरर का काम आपका रहेगा कि आपके सिस्टम में यूनिफॉर्म हीट रोटेट करना, यानी जैसे ही आपका पानी गर्म होगा तो ऐसा नहीं होगा कि उसके सरफेस पे कुछ और टेम्परेचर और बॉटम पे कुछ और, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म हीट देने के लिए, यानी पानी की हीट जो है यूनिफॉर्म ट्रांसफर हो पूरे सिस्टम में, उसके लिए हमने क्या यूज किया, अपने स्टीरर को यूज किया सिस्टम में। अब जब आपने ये सारा डायग्राम बना लिया, आपने इंस्ट्रूमेंट को बता दिया कि ये किस तरीके से काम करेगा, अब हम इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, यानी पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन हमने कैसे की। अब कंस्ट्रक्शन हम बिल्कुल एज इट इज ही लिखेंगे जैसे हमने ये डायग्राम अपने इंस्ट्रूमेंट का बनाया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील पॉट फिल्ड विद अ लिड, यानी जो स्टेनलेस स्टील का पॉट है जिसको हमने क्या बोला है, बॉम्ब, उसको हमने क्या कवर किया, लिड से कवर किया। यहां पे आपके कितनी इलेक्ट्रोड्स हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, 1 ऑक्सीजन इनलेट। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ऑक्सीजन की वॉल्व है जिसको हमने क्या बोला कि ये सोर्स है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का। इसके बाद अगर हम बात करें बैटरी की, यहां पे अपनी इलेक्ट्रोड्स किससे अटैच्ड हैं, यानी फ्यूज वायर से अटैच्ड हैं, और जहां पे हमारा सैंपल प्लेस्ड है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी, तो हमें यहां पे ऑक्सीजन कितनी प्रोवाइड करनी है, दैट इज 25 to 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, फ्यूल सैंपल को वे करने के बाद आपने उसको किस पे बर्न करना है, इतने ऑक्सीजन पे जिसका प्रेशर कितना होगा, 25 to 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप बात करेंगे किसकी, स्टेनलेस स्टील की और अपना कॉपर कैलोरीमीटर की, यानी स्टेनलेस स्टील से क्या बना है आपका, क्रूशिबल, और आपका बॉम्ब बना है। फिर आप क्या बात करेंगे कि आपने कंस्ट्रक्शन में क्या बनाया, स्टीरर को यूज किया, स्टीरर किस लिए यूज हो रहा है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर के लिए। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि बैकमैन थर्मोमीटर है आपका, जो कि 0.01 डिग्रीज चेंजेस को भी इजिली नोट कर सकता है,
इसके बाद आप बताएंगे कि वाटर और एयर जैकेट का आप यूज किस लिए कर रहे हो, टू अवॉइड हीट लॉसेस। इसके बाद आप बताएंगे कि 6 वॉट बैटरी, जिसके बाद क्या हो रहा है, बैटरी यूज करने से आपका फ्यूल का कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको फ्यूल की हीट मिलनी शुरू हो जाएगी जो हम फ्यूल को बर्न करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल की कि ये इसकी वर्किंग किस पे बेस्ड होगी, यानी ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, यानी अगर हम कहें कि नॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे हम क्या प्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन जो हमारी होगी वो कैसी, यानी एक्सेस में होगी, एंड हीट लिबरेटेड इज ट्रांसफर टू अ नॉन अमाउंट ऑफ वाटर, यानी जिस हम नॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल को बर्न कर रहे हैं उस फ्यूल को बर्न करने से जितनी हीट इवेल्युएट होगी या फिर लिबरेट होगी वो कहाँ पे जाएगी, वो हीट ट्रांसफर होगी आपकी वाटर में, और वाटर की अमाउंट भी आपको पता है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस, यानी फ्यूल के बर्न होने से जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट कहाँ गेन हो रही है, आपके वाटर में। इसके बाद अगर वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस फ्यूल को आपको बर्न करना है उसकी अमाउंट पता होनी चाहिए, यानी उस सैंपल को आप क्या करोगे, वे करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फिक्स द लिड टाइटली ऑफ बॉम पॉट, यानी जो आपका सेंटर में बॉम है उसका आप लिड टाइटली बंद करोगे। थर्ड आपका क्या आता है, फिल द बॉम विद ऑक्सीजन। अब हमें क्या करना है, इस बॉम में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, कहाँ से, ऑक्सीजन इनलेट से या फिर ऑक्सीजन वॉल्व से। इसके बाद आपको क्या करना है, उस बॉम को प्लेस करना है स्टेनलेस स्टील के कॉपर के कैलोरी मीटर में। इसके बाद आप क्या बात करेंगे कि हमने उसमें क्या किया, वाटर को ऐड किया। वाटर ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, कीप द टेम्परेचर, कीप द थर्मोमीटर एंड स्टीरर इन द वाटर, यानी अब जब हमने क्या किया उस पॉट में वाटर को फिल कर दिया, वाटर फिल करने के बाद हम उसमें प्लेस करेंगे थर्मोमीटर को, जिससे हम क्या कर सकें, पानी को, पानी के टेम्परेचर को देख सकें, और उसके बाद उसमें क्या ऐड करेंगे, उसमें स्टीरर ऐड करेंगे जिससे हम क्या कर सकें, उसमें यूनिफॉर्म हीट दे सकें। उसके बाद हमें 7th स्टेप क्या देना है, प्लेस द कैलोरी मीटर इन द वाटर जैकेट, यानी अब हमें क्या करना है, इसको वाटर जैकेट के अंदर प्लेस करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लास्टिक कवर ऑन द टॉप एंड मेक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, यानी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो टॉप लिड है उसको कवर कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करने हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बनाने हैं, यानी कनेक्शन दे देंगे, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम 5 मिनट्स के बाद इसका इनिशियल टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। इनिशियल टेम्परेचर आपका क्या होगा, दैट इज T1। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे ही कनेक्शंस हमने दिए, कनेक्शन करने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या किया कि करंट पास किया, करंट पास किया थ्रू वायर, जिसके बाद क्या होगा, आपका फ्यूल फायर कैच करेगा, दैट इज फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि आपका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना राइज होगा, दैट इज T2। अब इसके बाद बात आती है कि हम इसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, यानी हमें जो कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज GCV और NCV, उसकी कैलकुलेशंस किस तरीके से होंगी। तो यहाँ पे जैसे ही हमने सैंपल को वे किया तो हमें सैंपल की अमाउंट पता है, दैट इज एक्स ग्राम। इसके बाद अगर हमने वाटर फिल किया है कैलोरी मीटर में तो हमें उसका वेट भी पता होगा, दैट इज कैपिटल W। इसके बाद अगर हम बात करें वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरी मीटर और बॉम, दैट इज स्मॉल W। इसके बाद इनिशियल टेम्परेचर आपका क्या है वाटर का, जब आपने इंस्ट्रूमेंट को ऑन किया उस मोमेंट पे इसका टेम्परेचर क्या था, T1। और फाइनली जब आपका पूरा सैंपल यानी पूरा फ्यूल बर्न हो गया उसके बाद जब हमने इसका टेम्परेचर नोट किया, दैट इज T2। अब आपको GCV कैलकुलेट करना है, दैट इज ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। उसका फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, कैपिटल W प्लस स्मॉल W मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T1, यानी टेम्परेचर डिफरेंस, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ फ्यूल। अब इसके बाद जैसे ही आपने GCV कैलकुलेट किया उसके बाद हम NCV कैलकुलेट कर सकते हैं। NCV कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, NCV इज इक्वल्स टू GCV माइनस 0.09% ऑफ H मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, दैट इज 587 कैलोरीज पर ग्राम। यानी यहाँ पे आपने 587 क्या लिया, दैट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम
अब इसके बाद आता है करेक्शंस, यानी जब भी हम इसकी बात करेंगे बॉम कैलोरीमीटर की, तो यहाँ पे कुछ कुछ एरर्स होते हैं और उन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमें ये जो करेक्टर्स हैं, इन करेक्टर्स को किसी को प्लस करना है और किसी को माइनस करना है। यानी फॉर एक्यूरेट रिजल्ट द फॉलोइंग करेक्शंस आर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड। अब इसमें सबसे पहला करेक्शन क्या आता है, एसिड करेक्शन। यानी बॉम कैलोरीमीटर के प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, कुछ कुछ एसिड प्रोड्यूस होते हैं, तो उन एसिड को हमें क्या करना है, माइनस करना है। इसी तरीके से कूलिंग करेक्शन, यानी जब भी आपका सिस्टम, यानी आप फ्यूल को बर्न कर रहे हो, वाटर हीट हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, रूम टेम्परेचर से जैसे ही हाई टेम्परेचर जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ रेडिएशन का लॉस होगा। उस रेडिएशन के लॉस को आप क्या दिखाएंगे कि आपने उसको टेम्परेचर के कंटेंट में उसको ऐड कर दिया। अब आपका आता है फ्यूज वायर, यानी जब भी मैग्नीशियम वायर बर्न हो रही है तो उसका कुछ अपना हीटिंग टेम्परेचर होगा, वो क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को राइज कर देगा, यानी वाटर के टेम्परेचर को राइज कर देगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको फ्यूज वायर के करेक्शन को, यानी इसमें जो एरर आया, इसकी इसने टेम्परेचर को राइज किया, उसको हमने क्या किया, माइनस किया। इसी तरीके से जब भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं तब हम उसमें क्या ऐड करते हैं, उसकी प्रॉपर बर्निंग के लिए हम वहाँ पे कॉटन थ्रेड का यूज करते हैं, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है, उस एक्स्ट्रा हीट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। यानी इनका रोल आपका सिर्फ है कैलकुलेशन में, यानी आप इस फॉर्मूले का यूज कब करेंगे, आइदर मतलब इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स, यानी जब भी आपके पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल आएगा कि बॉम कैलोरीमीटर की आपसे वर्किंग पूछी है, उसका कंस्ट्रक्शन और उसकी पूरी डिटेल कि आप कैसे क्लासिफाई करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू को, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें गिवन होंगी, कैपिटल डब्ल्यू भी गिवन होगा, स्मॉल डब्ल्यू भी, टाइम में डिफरेंस भी गिवन होगा, या कभी वो आपसे कहेगा T2 माइनस T1 अलग अलग ना देके वो कहेगा कि राइज इन टेम्परेचर, तो उस केस में आपको क्या पता होगा कि आपको गिवन है T2 माइनस T1। फिर आपको ये सारे जितने भी करेक्शंस हैं ये भी गिवन होंगे, कूलिंग करेक्टर भी गिवन होगा, एसिड करेक्शन, फ्यूज वायर करेक्शन, कॉटन थ्रेड करेक्शन, उसके बाद आपको अमाउंट ऑफ फ्यूल भी गिवन होगी। यानी यहाँ पे इस केस में, यानी बॉम कैलोरीमीटर के न्यूमेरिकल के केस में आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी आपको सारी चीज़ें गिवन होंगी, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कैलकुलेट नहीं करना है। जैसे कि आपको ये सारी वैल्यूज बताऊंगी तो आप क्या कर सकते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास थ्योरेटिकल कैलकुलेशन मेथड, यानी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे थ्योरेटिकली। अब ड्यूलोंग्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें क्या दिया था, ड्यूलोंग्स मेथड। अब इन्होंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास कार्बन की परसेंटेज हो, हाइड्रोजन की और सल्फर की, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से उनकी कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कैलोरीफिक वैल्यू इन्हें पता है पहले से ही कि ये इनकी कैलोरीफिक वैल्यू है। और अगर हमें अपने फ्यूल में ये पता हो कि फ्यूल में कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है और कितना परसेंट सल्फर है, तो हम इस फॉर्मूले से अपना GCV कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है 1/100 8080 परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के जब भी परसेंटेज की बात हुई तो उसमें कार्बन की कैलोरीफिक वैल्यू की मल्टीप्लाई हुई। अब अगर हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हाइड्रोजन में हमने क्या किया, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू, और हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू से हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 8, यानी इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसके बाद क्या आता है आपके पास कि अगर सल्फर की बात करेंगे और इस अमाउंट को आपको पूरे को क्या करना है, ऐड करना है, यानी इन तीनों की कैलोरीफिक वैल्यू प्लस इनकी परसेंटेज, इनको क्या करना है, ऐड करना है। अब इसके बाद जब सल्फर की बात हुई तो सल्फर की कैलोरीफिक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ सल्फर, यानी इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, एनालिसिस ऑफ कोल, यानी हम कोल का एनालिसिस किस तरीके से करेंगे। अब कोल का एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, पहला मेथड हमारा प्रोक्सीमेट एनालिसिस और दूसरा मेथड हमारे पास अल्टीमेट एनालिसिस। अब जब भी हम प्रोक्सीमेट की बात करेंगे तो प्रोक्सीमेट में हमें मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, ऐश और फिक्स्ड कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है। यानी जब भी हम प्रोक्सीमेट की बात करेंगे तब हमें ये चार कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं। अब हम अगर मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर हमारा क्या है, यानी मॉइस्चर हमें कहां से मिलेगा, अपने कोल सैंपल में, कि उसमें क्या है, वाटर कंटेंट है। तो उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए अगर हमें यह पता है कि नॉन अमाउंट ऑफ कोल सैंपल हमारे पास है,
इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सिर्फ 110 डिग्रीज पे हीट करेंगे, 110 डिग्रीज पे हीट करेंगे फॉर ओनली 1 आवर। अब जैसे ही हमने इसको हीट किया तो हमारे पास क्या मिलेगा, फ्यूल मिलेगा, और इसको हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, और कूल करने के बाद इसको हम वे करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें मॉइस्चर की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे इसकी, यानी जो हमारे पास लेफ्ट, यानी अमाउंट ऑफ, यानी क्या मिलेगा, वेट ऑफ, जितना मॉइस्चर बाहर निकला यानी जितना सैंपल बचेगा उसमें से हम क्या करेंगे, इनिशियल जो हमारी अमाउंट थी फाइनल अमाउंट में से इनिशियल अमाउंट माइनस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ मॉइस्चर, या फिर हम कहेंगे कि वो वेट ऑफ मॉइस्चर आ जाएगा किसमें, फ्यूल में, और उसका हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ कोल सैंपल जो हमने इनिशियली लिया था। और हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम 100 लिखना नहीं भूलेंगे। अब इसी तरीके से आपको क्या कैलकुलेट करना है, वोलेटाइल मैटर, वोलेटाइल मैटर आप अपने इसमें से फ्यूल में से कैसे रिमूव कर सकते हैं, यानी जो मेरे पास रेजिड्यूअल फ्यूल बचा है, रेजिड्यू फ्यूल, उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे 925 डिग्री सेल्सियस, यानी ये आपका क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, और हम इसको 7 आवर्स तक हीट करेंगे। अब ये करने के बाद, उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा, फिर से हम अपने जो फ्यूल बचेगा उसको कूल डाउन करेंगे और फिर से उसके लिए वे करेंगे। अब जो वे करेंगे उसके बाद मेरे पास क्या मिल जाएगा, कोल सैंपल मिलेगा जिसमें वोलेटाइल मैटर नहीं होगा। और अगर मुझे वोलेटाइल मैटर की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर, यानी फिर से हम क्या करेंगे, ये जो आपका अमाउंट आया है और जो इनिशियली आपने अमाउंट ली थी उसमें से माइनस करके इसका वेट कैलकुलेट कर लेंगे, और इसके बाद हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे विद रेस्पेक्ट ऑफ कोल सैंपल जो हमने स्टार्टिंग में अमाउंट लिया था, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आपको कैलकुलेट करना है ऐश परसेंटेज। ऐश की परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले हमें फ्यूल को क्या करना है, यानी जो हमारा रेजिड्यूअल फ्यूल बचा है, यानी जिसमें अब हमारे क्या है, मॉइस्चर भी नहीं है, वोलेटाइल मैटर भी नहीं है, ये सारे रिमूव हो गए हैं। अब हम इसको हीट करेंगे 700 डिग्रीज पे फॉर 30 मिनट्स। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, कोल सैंपल बचेगा, और हम इसको क्या करेंगे, कूल डाउन, और ये यहां से क्या आ जाएगा, कोल सैंपल बचने के साथ साथ हमें क्या मिलेगी, ऐश मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, ऐश का परसेंटेज जो हमें कैलकुलेट करना है वो हम करेंगे कैलकुलेट, वेट ऑफ ऐश डिवाइड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन। अब परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, अभी तक हमने मॉइस्चर का कैलकुलेट किया, अब हम 100 में से ये तीनों कंटेंट, यानी तीनों का परसेंटेज, दैट इज पहला हमने क्या कैलकुलेट किया, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्लस परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर प्लस परसेंटेज ऑफ ऐश, यानी इन तीनों को ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, 100 से माइनस कर देना है, और उसके बाद ये हमारी क्या निकल जाएगी, परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन।
अब हमें ये देखना है कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है, यानी जिसकी परसेंटेज कम होगी उसका क्या सिग्निफिकेंस है, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उसके बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं, अपने फ्यूल की क्वालिटी को बता सकते हैं। अगर मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल में भी बताया है कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, कैलोरीफिक वैल्यू को कम करेगा। यानी ये लिखा है मॉइस्चर लोअर्स द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, यानी अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो वो क्या करेगा, फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को कम कर देगा। अब अगर इसकी बात करें, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर क्वेंचिज फायर इन द फर्नेस, यानी अगर बहुत ज्यादा प्रेशर मतलब बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा हमारे फ्यूल में तो वो क्या करेगा, उसको बर्न होने ही नहीं देगा फर्नेस में, यानी एक्सटिंग्विशर की तरह काम करेगा हमारा मॉइस्चर। अब बात आती है वोलेटाइल मैटर की, तो वोलेटाइल मैटर्स क्या करते हैं, अगर इनका परसेंटेज भी अगर ज्यादा है तो ये क्या करेंगे, लॉन्ग फ्यूम्स, हाई स्मोक एंड रिलेटिवली लो हीटिंग वैल्यूज। और अगर ये प्रेजेंट हैं तो इसकी वजह से भी क्या होगा, कोल की कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी। अब इसी तरीके से अगर ऐश की बात करें, तो अगर ऐश की बात करें तो ऐश भी क्या है, एक तरीके से रेजिड्यू है। और किसी भी फ्यूल को बर्न करने के बाद अगर रेजिडुअल आपका वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बच रहा है तो वो भी क्या है, बिल्कुल ठीक नहीं है, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है गुड फ्यूल की। तो यहाँ पे भी हम क्या कह सकते हैं, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को कम कर रहा है। इसके बाद क्या आता है, ऐश क्या करेगा, रेट ऑफ कम्बशन को भी कम कर देगा। अब इसके बाद क्या आता है, हाई ऐश लीड्स टू लार्ज हीट लॉसेस, यानी ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा हीट लॉस करेगा अगर बहुत ज्यादा ऐश प्रोड्यूस हो रहा है। अगर फिक्स्ड कार्बन की बात करें तो इन चारों कंटेंट में, यानी मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, ऐश और फिक्स्ड कार्बन में, सिर्फ आपके फ्यूल में फिक्स्ड कार्बन की परसेंटेज क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसकी परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। इसके बाद आता है हमारा फिक्स्ड कार्बन का सेकेंड पॉइंट, जिसमें हम बता रहे हैं कि इसकी परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा फ्यूल इजीली बर्न होगा, क्योंकि फिक्स्ड कार्बन की परसेंटेज की ज़्यादा होने की वजह से ही ये क्या करता है, सॉलिड स्टेट में बर्न होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अल्टीमेट एनालिसिस की। अल्टीमेट एनालिसिस में आपको ये बताना है कि अल्टीमेट में आप क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। जैसे अप्रोक्सीमेट में हमने बताया कि हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, ऐश और सबसे लास्ट हमारा था परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन। अब अगर यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ हम इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब ये हमारे क्या हैं, अल्टीमेट एनालिसिस। अब अल्टीमेट एनालिसिस के लिए आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के केस में आपको ये पूरा सेटअप यानी ये प्रोसेस यूज करना होता है। अब इस प्रोसेस में आपको एक चीज यूज करनी है कि जैसे ही हमने फ्यूल को बर्न किया, यानी हमारे पास फ्यूल के अंदर क्या है, यानी जो भी हम कोल बर्न कर रहे हैं दैट इज फ्यूल। अब कोल जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2, और जैसे ही हाइड्रोजन की परसेंटेज उसमें है और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तब वो क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ये सेटअप इसलिए बनाया गया है, यानी इस एप्रेटस का यूज इसलिए किया गया कि जब हमारा सी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा यानी कार्बन, तब CO2 बनेगा, और ये CO2 आपका कहाँ जाके एब्जॉर्ब होगा, KOH सोल्यूशन में, यानी KOH ट्यूब में, जहां पे हमने KOH का सोल्यूशन लिया है एक नोन अमाउंट। तो यानी जैसे ही CO2 एब्जॉर्ब होगी तो उस ट्यूब का वेट इंक्रीज हो जाएगा, यानी जो हमें नॉन अमाउंट पता है उसमें जो एडिशनल अमाउंट होगी वो हमारी अमाउंट होगी CO2 की। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे H2 की, जो हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में, ये H2O आपका कहाँ जाके ऐड होगा, ये आपका CaCl2 ट्यूब में जाके ऐड होगा, यानी CaCl2 ट्यूब की वेट में जो इंक्रीज होगा वो किसकी वजह से होगा, वो वाटर मॉलिक्यूल की वजह से होगा। अब यही चीज हमें कैलकुलेट करनी है। अब इसके बाद आपका क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज ऑफ कार्बन हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ CO2, और CO2 का क्या है, CO2 कहां एब्जॉर्ब हो रही है, KOH ट्यूब में, इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH ट्यूब डिवाइड बाय
वेट ऑफ कोल सैंपल। अब यहां पे आपको एक चीज देखनी है कि जब भी आपका KOH ट्यूब में इंक्रीज होगा तो किसकी वजह से होगा, CO2 की वजह से। अब CO2 में आपको यह चीज देखनी है कि CO2 में कार्बन का परसेंटेज कितना है, कि अगर आप देखो एटॉमिक वेट 12 16 प्लस 2 टाइम्स, यानी आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, O2 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 32। अब आप इसका ऑल ओवर सम देखें तो आपके पास कितना है, यानी मॉलिकुलर वेट आपके पास कितना है 44। तो मुझे सिर्फ कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो वहां मैं क्या कर सकती हूँ, 12 अपॉन 44 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट कर हो रहा है, H2O में, और H2O इंक्रीज कहां कर रहा है, यानी एब्जॉर्ब कहां हो रहा है, CaCl2 ट्यूब में, इंक्रीज इन वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब डिवाइड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल। अब आपको सेम यही चीज याद रखनी है कि आपने क्या बताया, H2O प्लस हाफ O2 दैट गिव्स H2O। अब आपको ये चीज देखनी है कि आपका पूरा इसके अंदर हाइड्रोजन कितना है, इसका एटॉमिक वेट 2, ऑक्सीजन और इसका टोटल 18। तो अगर मुझे सिर्फ हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसका परसेंटेज, यानी इसका जितना एटॉमिक वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, दैट इज 2/18। और यहां पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम 100 जरूर लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें इसी तरीके का प्रोसेस लगाना होता है जैसे हमने CaCl2 और KOH का लगाया। अब वहां पे हम एक एसिड का यूज करते हैं अपने बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो उसका जो वॉल्यूम है दैट इज वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मेलिटी, यानी उसकी नॉर्मेलिटी होगी कुछ, उसका स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी दैट इज नॉर्मेलिटी। अब जैसे ही आपने इसकी बात की, अब यहां पे आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1.4 से इन केस ऑफ नाइट्रोजन, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, वेट ऑफ कोल सैंपल। इसमें आपको ये जो मैंने पीछे डायग्राम दिखाया ये बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखानी है। ये सिर्फ समझाने के पर्पज से था कि आप किसका रेशियो किसके कंसर्न में लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, और आपको ये कैसे कैलकुलेट करना है, यानी आपको ये फैक्टर समझ आ जाना चाहिए कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, और ये इंक्रीज इन CaCl2 ट्यूब और KOH ट्यूब। अब ये यहाँ पे आपका क्या है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के केस में हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मेलिटी ऑफ दैट एसिड मल्टीप्लाई बाय 1.4 डिवाइड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल। अब यहां पे आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ एस। अब हम सल्फर की परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे बेरियम सल्फेट के टर्म्स में, यानी वेट ऑफ बेरियम सल्फेट डिवाइड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल। अब हम बेरियम सल्फेट की टर्म्स में तो कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ सल्फेट की यानी सल्फर की बताना है। अब सल्फर का कंटेंट कितना होगा, यानी उसका इंडिविजुअल परसेंटेज कितना होगा इस कंप्लीट मॉलिक्यूल में, आपको क्या पता है, इसका एटॉमिक वेट 32 और इसका मॉलिक्यूलर वेट 233। अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके 100 लिख देंगे। यानी आपने क्या किया, अल्टीमेट में ये सारे परसेंटेज कैलकुलेट किए और प्रोक्सीमेट में आपने मॉइस्चर ऐश और ये सारी चीजें कैलकुलेट की। यहां पे आपको ऐश भी कैलकुलेट करना है, दैट इज ऐश का परसेंटेज, वो आपका कैसे आ जाएगा, वेट ऑफ ऐश
जो आपने लास्ट टाइम किया ऐसे ही वेट ऑफ कोल सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसके बाद आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि आप ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपने जितने भी फैक्टर्स कैलकुलेट किए अभी तक, कार्बन का परसेंटेज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऐश और आपका लास्ट में सल्फर। अब ये सारे जब आपने कैलकुलेट कर लिए तब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की परसेंटेज के लिए जैसे हमने लास्ट में फिक्स्ड कार्बन की निकाली थी, सबको ऐड करके 100 से माइनस किया था, इसी तरीके से हम यहाँ क्या करेंगे, सारे कंटेंट जितने भी अल्टीमेट के हैं जो है आपके कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऐश, ये सारे ऐड करके हमने क्या किया, 100 से माइनस कर दिया, वो अमाउंट आपका क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, यानी ये हमने कैलकुलेट क्यों किए और इनका अफेक्ट क्या होगा हमारी कैलोरीफिक वैल्यू पे। अब अगर कार्बन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि कार्बन की जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी उतना ही बेटर हमारा कोल होगा। वो हमने जब कोल की रैंकिंग पढ़ी थी वुड टू एंथ्रेसाइट, उसमें भी हमने यही बताया था कि जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा क्या होगा, कोल बेटर क्वालिटी का होगा और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी। अब इसके बाद हम हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन क्या है, किस फॉर्म में हमें मिलेगा, मॉइस्चर और वोलेटाइल मैटर की फॉर्म में, और जितना ज्यादा मॉइस्चर और जितना ज्यादा वोलेटाइल मैटर हमारे कोल सैंपल में होगा उसका क्या होगा, कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ज्यादा कम होगी और क्वालिटी ऑफ कोल भी डिक्रीज हो जाएगी। अब यही बात अगर हम नाइट्रोजन के केस में करें तो नाइट्रोजन क्या है, इसकी कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती और एक गुड क्वालिटी ऑफ कोल में क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल नाइट्रोजन का परसेंटेज होना चाहिए। अब यही बात अगर हम सल्फर के लिए करें तो सल्फर की परसेंटेज भी गुड क्वालिटी ऑफ कोल में बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए, यानी जितना ज्यादा कम सल्फर का परसेंटेज होगा उतना ही हमारा क्वालिटी ऑफ कोल बेटर होगा। अब अगर इसकी बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन क्या करता है, कैलोरीफिक वैल्यू को डिक्रीज करता है और कोल की क्वालिटी को भी। तो अगर इन चारों में भी अगर हम देखें तो हमारा क्या है, ये चारों आपके कंटेंट कम होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका कार्बन का कंटेंट ज्यादा होना चाहिए अपने कोल सैंपल में। अब इसके बाद हमारे पास हमारा टॉपिक आता है बायोगैस। बायोगैस क्या है, बायोगैस इज एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी ये हमारा क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इट प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऑर्गेनिक मैटर, फूड वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ये सब चीजें क्या होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू यानी बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर हम बात करें एनारोबिक डाइजेशन की तो एनारोबिक डाइजेशन में ये क्या करेंगे, अपने स्मॉल पार्टिकल्स में डीकम्पोज हो जाएंगे और उससे एक गैस प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज बायोगैस। अब अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसका मेजर कॉम्पोजिशन है दैट इज मिथेन, जो कि है आपका CH4। अब आपका इसमें है क्या है, CO2। इसके बाद हमारा क्या आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीवेज गैस। अब इसमें जो परसेंटेज है सबसे ज्यादा CH4 का है जो कि 55 to 65%। इसके बाद आपका CO2 का है दैट इज 35 to 45%। बाकी का आपका अमाउंट है 0 to 1, 0 to 1, 0 to 3, 0 to 2। अब अगर हम बात करें कि ये किस तरीके से वर्क करेगा, यानी सबसे पहले इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या यूज कर सकते हैं हम, इसके लिए एनिमल डंग, वेजिटेबल वेस्ट, वेस्ट पेपर एंड कॉटन क्लॉथ्स, प्लांट्स वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड बर्ड्स एक्सक्रीटा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसके लिए क्या है, एज अ रॉ मटेरियल। यानी इन सब चीजों से हम क्या बना सकते हैं, बायोगैस। अब अगर हम बात करें बायोगैस प्लांट की तो ये क्या है, ये इसका पूरा सेटअप है। इसकी पूरे सेटअप को बनाने का सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि हम मिक्सिंग कहाँ कर रहे हैं, उसके बाद ये आपका क्या है, इनलेट चैम्बर है, और इसके बाद ये आपका क्या है, डाइजेस्टर, और ये हमारा आउटलेट जहाँ से आपका क्या हो रहा है, जितना भी स्लरी आपका चेंज हो रहा है किसमें, मैन्योर में, उसको आप आउटलेट तक लेके जा रहे हैं, और उसके बाद ये आपका क्या है, ओवरफ्लो टैंक, और ये आपका जो डोम के ऊपर ये जो आपने पाइप दिखाया, ये एग्जिट पाइप जहां से आप अपनी गैस को
रिलीज कर रहे हैं फॉर द पर्पस, जिस पर्पस के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं। अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप ये देख लेते हैं कि कहां पे क्या काम हो रहा है और ये किस तरीके से वर्क करेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मिक्सिंग टैंक। अब मिक्सिंग टैंक आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जो मैंने बताया अभी कि वो कहाँ पे है, स्टार्टिंग में ही यानी साइड में बना हुआ है। ये आपका मीडियम साइज का टैंक है, मीडियम साइज का टैंक, और बना किस चीज से है, विद ब्रिक एंड सीमेंट। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, पूरा जितना भी रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल को सेम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिक्स कर लेते हो, यानी उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर आपने लिया, उतना ही आपने क्या लिया, जो आपका रॉ मटेरियल है, दोनों को आपने क्या किया, मिक्स कर लिया और आपने क्या बना लिया, एक स्लरी बना लिया। इसके बाद आपके पास क्या आता है, इनलेट चैम्बर। अब जैसे ही आपने जो मिक्सिंग की, वो मिक्सिंग आपका कहाँ जाएगा, एक लार्ज टैंक में मिक्स होने के बाद आप उसको कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, इनलेट चैम्बर में या फिर इनलेट टैंक में। और ये भी आपका कैसे बना है, मेड अप ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट। और ये आपको ये वाला जो टैंक है, दैट इज इनलेट टैंक और इनलेट चैम्बर, ये आपके टैंक कहाँ कनेक्ट कर रहा है, आपके मिक्सिंग टैंक को डाइजेस्टर तक कनेक्ट कर रहा है। इसके बाद आप डाइजेस्टर की बात करेंगे, तो डाइजेस्टर में हम क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टर में हमने स्लरी को ऐड किया और थोड़े टाइम तक हमने उसको रेस्ट में छोड़ दिया, और प्रॉपर टेम्परेचर वहाँ प्रोड्यूस होने के बाद तब क्या होगा कि एनारोबिक फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी डाइजेस्टर में हमारा एक प्रोसेस होगी, दैट इज एनारोबिक फर्मेंटेशन। और ये फर्मेंटेशन आपकी होगी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है, इसमें अगर डाइजेस्टर की बात करें, इट हैज इवॉल्व ऑन द टॉप फ्रॉम वेयर द प्रोड्यूस बायोगैस इज रिलीज्ड, यानी इसी डाइजेस्टर में ऊपर हमारा एक डोम टाइप स्ट्रक्चर बना है जिसके ऊपर हमने पाइप कनेक्ट किया है, वहां से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी गैस प्रोड्यूस्ड हुई है उसको हम एग्जिट कर रहे हैं और अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। इसके बाद क्या आता है, आउटलेट चैम्बर। ये आउटलेट चैम्बर भी आपका कहाँ लिंक है, डाइजेस्टर से लिंक है, और यहाँ पे ये जो हमारी स्लरी है और मैन्योर को फर्मेंटेशन के बाद कलेक्ट करता है, यानी हमने जब भी उससे गैस प्रोड्यूस हो गई, जो हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट है वो हमारा कहाँ जाएगा, आउटलेट चैम्बर में। इसके बाद अगर हम बात करें वर्किंग की, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि अगर हमने जो भी रॉ मटेरियल है वो लिया और रॉ मटेरियल को हमने सेम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिक्स कर दिया, जिसको हमने बताया स्लरी, जो मैंने अभी भी आपको बताया, ये स्लरी हम कहाँ पास करेंगे, यानी डाइजेस्टर में। और डाइजेस्टर में कहाँ से आया, पहले वो मिक्सिंग टैंक, मिक्सिंग टैंक के थ्रू इनलेट चैम्बर, और इनलेट चैम्बर से वो कहाँ गया, आपका डाइजेस्टर के अंदर। अब जैसे ही ये डाइजेस्टर में जाएगा, डाइजेस्टर को हाफ फिल हमने कर दिया, तो वहां पे हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस को हम रोक देंगे। हम रोकेंगे कैसे, हमने उसके ऊपर जो लिड लगा दिया है, उसको पूरा कंप्लीटली कवर कर देंगे, और वहां पे उसका क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके बाद जैसे ही फर्मेंटेशन स्टार्ट होगा, तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि उसमें वहां पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 30 to 35 degrees, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सर्वाइवल के लिए एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर और पीएच जरूरी होती है। तो वहां पे आपके पीएच क्या होने चाहिए, न्यूट्रल होने चाहिए, दैट इज 7, और टेम्परेचर वहां का क्या होना चाहिए, 30 to 35 degrees। तो यानी यहां पे हमने क्या बताया कि हमारा काओ डंग से किस तरीके से बायोगैस बनती है। अब इसके बाद हम ये बताएंगे कि इस बायोगैस का हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, यानी इसके एप्लीकेशंस क्या है, यूजेस क्या है। इट इज कॉमनली यूज इन रूरल एरियाज एज कुकिंग गैस, यानी इस गैस को कहाँ तक किस लिए यूज करते हैं, हम रूरल एरियाज में कुकिंग के लिए यूज करते हैं। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज इन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर वाटर हीटिंग, स्पेस हीटिंग एक्सेट्रा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सीएनजी को रिप्लेस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं अपने व्हीकल्स में। इसके बाद आपका लास्ट आता है कि इसका यूज हम कर सकते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में। ये सारे क्या हैं, आपके बायोगैस के यूजेस हैं। यानी अभी तक हमने इस बायोगैस के टॉपिक में क्या पढ़ा, उसका डायग्राम, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उसके बाकी कंपोनेंट्स में क्या किस तरीके से वर्किंग होती है और वहां पे किस तरीके से गैस प्रोड्यूस होती है। बाकी इसका आपका क्या आ गया लास्ट में, यूजेस, और ये हमारा आज का टॉपिक बायोगैस कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इस यूनिट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच।